अगर कोई पूछे कि देश के सबसे बड़े राजनीतिक दल कांग्रेस की ऐसी हालत क्यों है, तो उसे पंजाब का हालिया घटनाक्रम उदाहरण के रूप में बतलाया जा सकता है, जिसमें पार्टी ने एक मस्खरे नवजोत सिंह सिद्धू के सामने आत्मसमर्पण कर उसे अध्यक्ष बना दिया। अध्यक्ष बनते ही इस मस्खरे ने अपने जैसों को ही अपना सलाहकार नियुक्त कर लिया। ऐसे ही एक सलाहकार है मालविंदर सिंह माली, जिन्होंने पहले कश्मीर पर विवादित टिप्पणी की। कश्मीर पर दिया गया विवादित बयान अभी ठंडा भी नहीं हुआ था कि अब गांधी परिवार पर ही उन्होंने निशाना साध दिया है। मालविंदर सिंह माली ने अपने फेसबुक पेज पे पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का विवादित कार्टून लगाया है और इस पर विवादित टिप्पणी भी की है। इसमें पंजाब में कांग्रेस की परेशानी बढ़ सकती है। माली ने अपने फेसबुक के कवर पेज पे 1990 के आसपास प्रकाशित होने वाली एक मैगजीन जनतक पैगाम के मुख्य पृष्ठ का फोटो लगाया है। इसमें पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी को हाथ में बंदूक लिए दिखाया है, जिसके एक सिरे पे खोपड़ी लटक रही है। इंदिरा गांधी के पीछे भी खोपड़ियों का ढेर लगा हुआ है। इस पेज पे पंजाबी में लिखा है, हर जावर दी यही कहानी, करना जबर ते मुंह दी खानी, यानी हर जुल्म करने वाले की यही कहानी है, अंत में उसे मुंह की खानी पड़ती है। मालविंदर सिंह माली के फेसबुक पेज पे लगी पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के विवादित कार्टून से कांग्रेसी नेताओं में आक्रोश है। कांग्रेस में गांधी परिवार के करीबी नेताओं को यह बिल्कुल सहन नहीं हो रहा है कि प्रदेश अध्यक्ष का सलाहकार इस तरह के फोटो अपने फेसबुक पेज पे लगाए। सत्ता में वापसी के हिसाब से एक मजबूत राज्य में कांग्रेस धीरे धीरे अपनी समस्याओं को न केवल खुद आमंत्रित करने लगी है, बल्कि वो लाचारगी और बेचारगी की स्थिति में खुद को पहुंचाने के सायास उपक्रम कर रही है। कांग्रेस नेतृत्व ने अगर इस पर अभी तक रोक नहीं लगाया तो उनका यह एक ऐसा कदम होगा जो उसे कमजोर साबित करने और जग हंसाई का पात्र बनाने का सबब बनेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पब्लिक न्यूज़।